ये जो डाटा माइनिंग चला है, अभी अभी हमने किसी को पकड़ करके पूछताछ नहीं की है, सिर्फ आंकड़े का अध्ययन किया है। मेरे प्यारे साथियों, मैंने पहले ही कहा आपकी देशभक्ति मेरी देशभक्ति से जरा भी कम नहीं है, लेकिन आप देखिए 3 लाख से ज्यादा, मैं आज पहली बार ये सारी बातें बता रहा हूं, देश से सुनकर के चौंक जाएगा, 3 लाख से ज्यादा कंपनियां, रजिस्टर्ड कंपनियां ऐसी सामने दिखाई दी है जिनकी सारी लेती देती शक के घेरे में है, सवालों के घेरे में है, उन पर सवाल या निशान लगा है। और ये जितना माइनिंग हुआ है उसमें से अभी काफी माइनिंग बाकी है, ये 3 लाख से कहां बढ़ेगा मैं कह नहीं सकता। और जब उसकी जांच शुरू की, कुछ चीजें गंभीर जिनकी पाई गई हैं, एक आंकड़ा मैं बता रहा हूं, शायद हिंदुस्तान को इस सरकार की सोच क्या है, राजनीतिक नेताओं में दम क्या है, उसका एक पहचान हो जाएगी। एक तरफ पूरी सरकार और मीडिया, व्यापारी जगत सबका ध्यान 30 तारीख रात को 12 बजे क्या होगा उस पर था, 1 जुलाई क्या होगा उस पर था, 48 घंटे पहले 1 लाख कंपनियों को कलम के एक झाट से ताला लगा दिया है दोस्तों। रजिस्टर ऑफ कंपनी से इनका नाम हटा दिया है। ये मामूली निर्णय नहीं है दोस्तों, राजनीति के हिसाब किताब करने वाले ऐसे फैसले नहीं ले सकते हैं, राष्ट्रहित के जीने वाले ही ऐसे फैसले कर सकते हैं। एक लाख से ज्यादा कंपनियों को 1 मिनट में कलम के एक झटके से खत्म करने की ताकत देशभक्ति की प्रेरणा से आती है। जिन्होंने गरीब का लूटा है उनको गरीबों को लौटाना ही पड़ेगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।